हेलो दोस्तों, भानी राम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमस, यानी पूर्णतया सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ या पूर्णतया अपघटित कार्बनिक पदार्थ और सी एन रेशियो। ह्यूमस के अंदर कार्बनिक पदार्थ में और मृदा में सी एन रेशियो क्या रहता है, सॉयल पीएच क्या होता है, कैसे मापा जाता है, आज अपने इसकी बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? पूर्णतया जो कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? पौधों का और जो जंतुओं का अवशेष होता है उसे अपने क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से अपघटित हो जाता है यानी सड़ गल जाता है तो अपने उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमस बोलेंगे। जनरली जो मृदाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, 5% तक कार्बनिक पदार्थ होता है। आपको याद हो तो पहले अपने जो डायग्राम पढ़ा था, जिस तरह से जैसे ये पूरा मृदा का संगठन है, इसमें 45% खनिज पदार्थ है, 5% कार्बनिक पदार्थ है। तो मर्दाओं में औसत जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कितना होता है? 5% होता है। और जिन मर्दाओं में 20% से ऊपर कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है उन्हें कार्बनिक मर्दा कहते हैं। अब ये कई बार पूछ लिया जाता है मर्दाओं में ह्यूमस कितना पाया जाता है, 2 से 10 एवरेज मानते हैं, लेकिन औसत कितना होता है? 5%। ह्यूमस बोल दिया या कार्बनिक पदार्थ बोल दिया, यानी पूर्णतया सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? ह्यूमस। तो जिन मृदाओं में 20% से ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा है वो कार्बनिक मृदा, 20% से कम उनको खनिज मृदा बोलते हैं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से कम होती है उनको क्या कहा जाता है? खनिज मृदाएं। और जिनमें 20% से ऊपर होती है उनको क्या कहा जाता है? कार्बनिक मृदाएं। और जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 90% तक होती है उनको पीट मृदाएं कहते हैं। हालांकि ये कल्टीवेटेड नहीं, खेती योग्य नहीं होती, ये बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। बाद में बात करेंगे जब अपने इनकी बारी आएगी, अपने जैसे ही अम्लीय मृदाओं सारी मृदाओं का डिस्कस करेंगे, वहां पीट या मक या बोग सोयल इनकी सबकी बातें करेंगे। और भारत में सबसे कम जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान की जो मरुस्थलीय मृदाएं हैं, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, ये इस एरिया, बाड़मेर वगैरह है, ये इस एरिया की मृदाओं में सबसे कम कार्बनिक पदार्थ होता है, 0.1% होता है। अब जो कार्बनिक पदार्थ होता है या ह्यूमस होता है, पूर्णतया अपघटित होता है, उस ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? जैसे आप सोइल टेस्टिंग करवाते हो, जैसे सोइल हेल्थ कार्ड पढ़ेंगे उसमें अपने बात करेंगे, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन निकाला जाता है, न कि कार्बनिक पदार्थ निकाला जाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर नहीं निकाला जाता, ऑर्गेनिक कार्बन निकाला जाता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस होता है उसके अंदर जो कार्बनिक सॉरी ऑर्गेनिक कार्बन है, कार्बनिक जो कार्बन है उसकी मात्रा होती है 58%। ह्यूमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 58% होती है। नाइट्रोजन 3 से 6% होता है, और जो ह्यूमस होता है उसमें जो डोमिनेंट एसिड होता है, मुख्य रूप से जो अम्ल होता है वो ह्यूमिक अम्ल होता है। उसके अलावा आपको फुल्विक अम्ल या ह्यूमिन अम्ल या एप्रोकोनिक अम्ल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एसिड, लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछ ले तो कौन सा एसिड होता है? ह्यूमिक एसिड। कार्बनिक पदार्थ जो अपघटित होता है उसका मान हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय स्वभाव का ही होता है। अगर अपने ताजा कार्बनिक पदार्थ की बात करें जो अपघटित नहीं हुआ है, ताजा कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो 40:1 होता है। अभी अभी कार्बनिक पदार्थ ताजा अपघटित हुआ और शुद्ध रूप से पड़ा हुआ है तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 20:1 होता है। अगर कार्बनिक पदार्थ अपने मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में अपघटित हुआ है, तो उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1। ताजा कार्बनिक पदार्थ का 40:1, शुद्ध रूप से जो अपघटित पड़ा हुआ है जिसमें मिट्टी मिक्स नहीं हो 20:1, और अगर अपने मिट्टी में मिला दिया है तो उसका कितना होता है? 10:1 होता है। जो कृषिगत मृदाएं हैं या भारतीय जो मृदाएं हैं उनमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो 8 से 15 कार्बन अनुपात 1 यानी नाइट्रोजन होता है, और अगर थोड़ा औसत करीब पूछ ले तो 10 से लेकर 12:1 होता है। एक्यूरेट पूछ ले तो 10:1 बताना आपको, यानी 8 से 15:1 होता है भारतीय मर्दों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। और ऐसी ये जो इंटरवेल है इनके बीच का जो गैप है वो कम दे दे तो 10 से 12:1 होता है, और भी ज्यादा एक्यूरेसी में जाके पूछ ले तो कितना होता है? 10:1 होता है। उसके अलावा यानी भारतीय मर्दाओं का जो कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात है मुख्यतः 10:1 ही होता है। दलहनी व कृषि अवशेषों का कार्बनिक पदार्थ दलहनी फसलों का अवशेष है या जो कृषि के अवशेष है, अगर उनका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो देखा जाए, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखा जाए तो 20:1 से लेकर 30:1 होता है। भूसे का, जैसे गेहूं का भूसा है, चावल का भूसा है, इनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखा जाए तो कितना होता है? 100:1 होता है। लकड़ी के बुरादे का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 400:1 होता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4:1 से लेकर 9:1 तक होता है।
जनरली जो शुष्क मृदाएं होती है उनका कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है वो आद्र मृदाओं की तुलना से क्या होता है, कम होता है। कारण क्योंकि जहां आद्र मृदाएं होगी वहां वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है अनुपात ज्यादा मिलेगा। जो ऊपरी हिस्सा होता है मिट्टी का उसमें लगातार पौधों के अवशेष गिरते रहते हैं, नीचे वाली मिट्टी में तो मिलेगा नहीं। ऊपर वाली मिट्टी को पृष्ठीय मृदा कहते हैं और नीचे वाली को अवमृदा, यानी ऊपर वाली को टॉप सॉइल और नीचे वाली को सब सॉइल। तो जो टॉप सॉइल ऊपर वाली मृदा उसमें कार्बन का अनुपात हमेशा ज्यादा होता है किसकी तुलना से, अवमृदा की तुलना से। इसलिए कहा जाता है पृष्ठीय मृदा का कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो अवमृदा की तुलना से क्या होता है, अधिक होता है। कई बार एग्जाम में क्या है क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कार्बनिक पदार्थ, ये इतने किलो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना होगा। तो अभी अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस में जो कार्बन होता है वो कितना होता है, 58% होता है। तो मान लो आपको कोई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दे दी, उससे ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है, तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर क्या रहेगा, 0.58। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, आपको दे दिया 40 किलो कार्बनिक पदार्थ, 40 किलो कार्बनिक पदार्थ में आपसे पूछ लिया इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, तो 40 को आप कितने से गुणा कर दोगे, 0.58 से कर दोगे। तो अब 40 को 0.58 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 23.2 किलो आ जाएगा। आप करके देख लेना, लमसम यही आएगा, ठीक है। दूसरा मान लो कि दूसरा जो करेक्शन फैक्टर है, दूसरा करेक्शन फैक्टर है आपका, आपको दे दिया ऑर्गेनिक कार्बन भी, ये इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, ये कितने कार्बनिक पदार्थ में से पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन से आपको कार्बनिक पदार्थ निकालना है तो करेक्शन फैक्टर रहेगा 0.724 रहेगा। यानी मान लो कि आपको दे दिया 70 किलो ऑर्गेनिक कार्बन और आपसे पूछ लिया 70 किलो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कितने कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1.724 से करोगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, 120.68 किलो आएगा। मतलब आपको 70 दे दिया ऑर्गेनिक कार्बन है, ये कितने कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है, आप इस 70 को 1.724 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120.68 किलो आएगा। ये आप करके देख लेना, ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को सिर्फ करेक्शन फैक्टर याद होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक कार्बन निकालोगे तो आपका जो करेक्शन फैक्टर है वो कितना आएगा, 0.58 से मल्टीप्लाई करना है। ऑर्गेनिक कार्बन दे रखा है और उससे कार्बनिक पदार्थ निकालना है तो 1.724 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब अपने बात करते हैं मृदा पीएच। देखो पीएच क्या होता है, पीएच जो टर्म है वो फ्रेंच भाषा की है, फ्रांसीसी शब्द है, यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब अपने पीएच को परिभाषित किया जाता है तो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयनों का जो ऋणात्मक मान होता है उसे पीएच कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएच क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अगर मृदा में हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाते हैं तो पीएच मान घटता जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन और पीएच मान के बीच में कैसा संबंध हुआ, वित्त अनुकर्मापाती, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा घट रहा है तो एक क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन और डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक मान। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, पीएच मान कम होगा। अब देखिए पीएच जो स्केल है उसकी खोज की थी सोरेनसेन ने, पीएच को जो परिभाषित किया था सबसे पहली बार 1909 के अंदर वो भी किसने किया था, सोरेनसेन ने। और पीएच स्केल की खोज भी किसने की थी, सोरेनसेन ने की थी 1909 के अंदर। तब इन्होंने 1 से लेकर 14 पीएच मान लिया, कितने तक दिया, 1 से 14 तक। यानी जो पीएच स्केल है अगर अपने उसमें जाएं तो अपने कहां तक जाएंगे, 0 से 14 तक जाएंगे, तो 0 तो 0 ही होता है तो अपने 1 से 14 बोल देते हैं। 7 जो पीएच मान है उसको उदासीन बोला जाता है, अगर 7 से पीएच मान कम होता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे, और 7 से पीएच ज्यादा मान होता है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, बेसिक स्वभाव का बोल देंगे, यानी क्षारीय स्वभाव का है। अब देखो मृदा में दो तरह के आयन है, एक तो हाइड्रोजन आयन होते हैं यानी H प्लस, और दूसरे होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH प्लस, है ना, सॉरी OH माइनस। अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो पीएच क्या होगा, घटेगा। यानी जब पीएच 7 से कम है तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की क्या है, सांद्रता ज्यादा है। जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, या उल्टा बोलते हैं अपने, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, पीएच घटेगा। यानी हाइड्रोजन आयन और पीएच के बीच वित्त अनुकर्मापाती संबंध है, यानी नेगेटिव संबंध है।
लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ते हैं तो पीएच भी बढ़ता है, हाइड्रोक्सिल आयन घटते हैं तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। तो इनके बीच जो संबंध है वो कैसा संबंध है, समान अनुपाती संबंध है, जिसको अपने कौन सा रिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन बोला जाता है। तो पीएच को परिभाषित किसने किया था, सोरेनसेन ने, क्या बोला था, हाइड्रोजन आयनों का जो ऋणात्मक मान होता है वो क्या होता है, पीएच होता है, ठीक है। और पीएच शब्द कौन सा है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति होता है, ठीक है। पीएच जो स्केल होता है वो भी किसने दिया था, सोरेनसेन ने परिभाषित, और पीएच स्केल की खोज हुई थी 1909 के अंदर। और जो पीएच मापने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड काम में लिया था वो भी सोरेनसेन ने लिया था, लेकिन वो कौन से सन में लिया था, 1920 में लिया था। लेकिन जो वर्तमान में पीएच मीटर प्रचलित है, उस तरह के जो पीएच मीटर है वो उनकी खोज किसने की थी और किसके नाम पेटेंट हुआ था सबसे पहले बार, तो ये अर्नोल्ड ऑर्विल बैकमैन के नाम से, उन्होंने 1934 के अंदर पहला पीएच मीटर फाइल करवाया था यूएसए के अंदर, और यूएसए के ये इनका जो कृषि से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको बनाने की इनकी कंपनी थी, अर्नोल्ड ऑर्विल बैकमैन की। तो पीएच मीटर की खोज की अगर बात करें तो कौन आएगा, अर्नोल्ड ऑर्विल बैकमैन आएगा। पीएच स्केल की खोज की बात आएगी तो एसपीएल सोरेनसेन आएगा। पीएच को परिभाषित किसने किया था, एसपीएल सोरेनसेन, सबसे पहला इलेक्ट्रोड पीएच मापने के लिए किसने काम में लिया था, एसपीएल सोरेनसेन ने काम में लिया था, ठीक है। अब देखो ये नीचे एक हल्का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखो जब पीएच घट रहा है तो हाइड्रोजन आयनों को बढ़ता हुआ दिखाया गया और हाइड्रोक्सिल आयनों को घटता हुआ। जब पीएच 7 से पार जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, यानी पीएच बढ़ रहा है तो क्या हाइड्रोजन आयन घट रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी पीएच और हाइड्रोजन आयनों का जो संबंध है वो समान वितनुकर्मापाती है, और पीएच और हाइड्रोक्सिल आयनों का जो संबंध है वो कैसा है, वितनुकर्मापाती है। जैसे अभी अपने बात कर रहे थे भी जो पीएच है वो क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन है, यानी हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक मान है। देखो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर क्या है पीएच 1 है तो उसको अपने 10-1 लिखेंगे, तो हाइड्रोजन आयन क्या है 0.1, पीएच 2 हुआ तो 0.01 हाइड्रोजन आयन हुए। यानी जैसे जैसे पीएच बढ़ता जा रहा है तो पॉइंटों में जीरो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन क्या होते जा रहे हैं, कम। ये एक समझने की बात है, यानी 1 से 14 पीएच तक अपने बढ़ेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन है वो क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। और जो पीएच मीटर की अपने बात कर रहे थे, ये साइड में डायग्राम देख रहे हो आप, जो ये डायग्राम है ये किसका है, पीएच मीटर का है। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा होता है उसके जरिए अपने क्या करते हैं, पीएच मापते हैं। ऊपर मेंशन किया हुआ पीएच मीटर की खोज अर्नोल्ड ऑर्विल बैकमैन ने की थी। देखिए पीएच का क्या महत्व रहता है, मृदा का जब पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है तो वो लगभग उदासीन होती है, और पौधे सबसे ज्यादा जो पोषक तत्वों का अवशोषण है वो 6.5 से 7.5 से करते हैं। अगर 6.5 से कम पीएच मान हो जाता है तो कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता इतनी बढ़ जाती है कि वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पौधों के लिए विषाक्त हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, तो अपने बोल देते हैं पौधों के लिए विषाक्तता बोल देते हैं। और कुछ जो पोषक तत्व है वो 7. पीएच मान पे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पौधों के लिए विषाक्तता होती है। अब 7.5 से पीएच ज्यादा हो गया तो कुछ है कि तो विषाक्तता होगी और बहुत सारी उपलब्ध नहीं होगी, और जब पीएच मान 6.5 से कम होगा तो बहुत सारी उपलब्ध नहीं होगा, कुछ है कि क्या हो जाएगी, विषाक्तता हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो 6.5 से 7.5 पीएच है उस पर पौधे क्या करते हैं, एक बैलेंस में पोषक तत्व लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर पीएच मान कम है तो आयरन की विषाक्तता, आयरन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बोरोन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कॉपर और जिंक की भी क्या हो जाएगी, विषाक्तता हो जाएगी। अब ये 6.5 पीएच मान से कम पे बहुत ज्यादा उपलब्ध है, लेकिन अगर पीएच मान 7.5 पहुंच गया तो वहां पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होने वाले। अब 6.5 से अगर पीएच मान कम है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, इनकी भी उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पीएच मान 7.5 से ज्यादा है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की क्या उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी, और मोलिब्डेनम की तो क्या है, विषाक्तता, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। यानी कि अम्लीय पे नहीं मिलेंगे ये सारे, पीएच मान पे ही मिलेंगे, या फिर पौधे इनको उदासीन पे तो ले ही रहे थे। अब इनकी क्या है, जैसे मोलिब्डेनम पीएच 7.5 से ज्यादा पहुंचता है इसकी विषाक्तता पौधों के लिए नुकसान करेगा, जरूरत से ज्यादा है, और बाकी पोषक तत्व वो कम मिलेंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम यहाँ की सारी है, पीएच मान पे खूब मिलते हैं, भरपूर मिलते हैं, लेकिन बाकी पोषक तत्व क्या मिलेंगे, कम। और जो अम्लीय पे उपलब्ध थे वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, जस्ट ऐसा उल्टा किसमें हो जाएगा, अम्लीय के लिए उल्टा हो जाएगा। तो आगे जब अपने पढ़ेंगे तो अगला आगे जो टॉपिक आएंगे सोइल साइंस में, जो समस्याग्रस्त मृदा, प्रॉब्लमेटिक सोइल, जैसे एसिडिक सोइल है मतलब अम्लीय मृदा है, बेसिक सोइल है जैसे क्षारीय मृदा है,
तो इनके अंदर अपने ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, कौन से पोषक तत्वों की अम्लीय मृदा में विषाक्तता होती है जैसे आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, जिंक, कौन से की अनुपलब्धता होती है जैसे मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और किसकी कम उपलब्धता होती है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह, इनकी कम उपलब्धता। जस्ट ऐसा ही सारी मृदाओं के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सारी मृदाओं में किसकी विषाक्तता होती है, मोलिब्डेनम की। कौन सा भरपूर मात्रा मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और किसकी बिल्कुल कमी हो जाती है, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, जिंक, इनकी बिल्कुल कमी हो जाती है। और कौन से की उपलब्धता कम हो जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, इनकी क्या हो जाती है, उपलब्धता। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम में जरूर काम आने वाला है।